हेलो फ्रेंड्स डॉक्टर मयंक है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में हम फिजिक्स के पिछले साल के मध्य प्रदेश प्री वेटनरियन फीसिस टेस्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे जिससे आपको आइडिया लगेगा कि फिजिक्स का पिछले साल लेवल क्या था और फिजिक्स हमेशा से एक थोड़ा टिपिकल सब्जेक्ट रहा है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए तो इसमें आपको पता चलेगा आपको कितना थ्योरी करना है कितने डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कितने थोड़े रॉबरेट क्वेश्चन आएंगे और इससे आपको एक आइडिया भी लगेगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है और कम समय पे आप ज्यादा से ज्यादा कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का वो है डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इन द सीजे सिस्टम इज जीरो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को आपको के पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सिक्स ट्वेंटी पर मीटर क्यूब तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है तो देखिए रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ अ मास एंड जिनकी डिस्टेंस स्टार्टिंग में कितनी है आर है अब बाद में डिस्टेंस हमने कितनी कर दी आर प्लस डी तो इसका रेशियो क्या आएगा रेशियो क्या आ जाएगा अभी आपको पता है जो फोर्स का पूछा है तो फोर्स और डिस्टेंस के बीच में रेशियो कैसा है इनवर्स रेशियो है तो आर प्लस डी का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा तो फर्स्ट ही आपका करेक्ट आंसर है देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दो क्वेश्चन आपके देखिए सिंपल है पच्चीस में से अब तीसरा क्वेश्चन क्या है एक मेटेलिक रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन आपको बताया है टू एम mm. अब वो स्ट्रेच किया जाता है एक लोड से जिसका मास कितना है नाइन पॉइंट सिक्स के जी अब उसके बाद आपको स्ट्रेन लिखाना तो आप डायरेक्ट स्ट्रेन का फॉर्मूला लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा जीरो टू परसेंट थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है बाकी इसमें ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ठीक है स्टार्टिंग के जो दो थे उनका कोई लेवल ही नहीं था अब फोर्थ क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन है कि भैया देखो अब प्रेशर कुकर है वो रिड्यूस करती कुकिंग टाइम को क्यों रिड्यूस करती क्योंकि ये पानी के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर के बीच में कैसा रिलेशन होता है डायरेक्ट रिलेशन होता है तो आपका फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर आ जाएगा अब देखो फोर्थ क्वेश्चन भी इजी था तो चार में से तीन क्वेश्चन इजी एक क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट अब लिखा है टू बॉडीज दे आर प्रोजेक्टेड विथ एन एंगल अब एक को थर्टी डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं एक दूसरे को सिक्सटी डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला से आपको निकालना है तो भैया ये भी थोड़ा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है वन बाय थ्री मॉडर्ट लेवल भी नहीं बहुत ईजी लेवल है आप, आपको यदि फॉर्मूला पता तो आप तुरंत कर लेंगे ट्रांसड्यूसर क्या है आपको तो पता है भैया ट्रांसड्यूसर एक एनर्जी कन्वर्टर है सिंपल क्वेश्चन है

टू मीटर इन टेन सेकेंड तो इसकी पावर पावर का फॉर्मूला क्या होता है पावर फॉर्मूला होता है क्या बोल सकते हैं जी जी कितनी है आपका टेन मीटर पर सेकेंड का स्क्वेयर डी कितनी है टू उसको किससे डिवाइड करना है टेन से डिवाइड करना तो आपका आंसर कितना चार सौ सिंपल क्वेश्चन फिर लिखा है डिफरेंट डायमेंशन अब देखो भैया डिफरेंट डायमेंशन किसकी एंगुलर मोमेंट और फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली अलग अलग चीज है क्योंकि मोमेंटम क्या होता है मोमेंटम आपको पता है मास इंटू वी मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगी के जी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी क्या है टाइम टू द पावर माइनस वन तो ये कंप्लीटली डिफरेंट है आपको पता है आप डायरेक्ट आंसर लगा दोगे नाइन्थ का अब लिखा है

नहीं कर पाएंगे इसको ठीक है एक लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन द वैक्यूम जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 to 10 to 8. है टू पावर इसका एम्पलीट्यूड दिया फॉर द इलेक्ट्रिकल फील्ड तो एम्पलीट्यूड आपको मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है पुट करिए आपका आंसर आ जाएगा थर्टीन क्वेश्चन क्या है रेडियो एक्टिव डी के रेट ऑफ एलिमेंट कितना है टेन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड जब एलिमेंट की हाफ लाइफ वन सेकेंड है तो आपको बताना चार सेकंड में कितना डीके कर जाएगा ठीक है तो वो आपको बताना है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा टू फिफ्टी अब इसमें लिखा है सिंपल हार्मोनिक हार्मोनिकटर जिसका पीरियड कितना है टी एनर्जी कितना है ई e, तो आपको बताना है क्या होगा जब आपका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसोलेशन जो है वो तीन गुना बढ़ जाएगा तो देखो हमको पता है जो पीरियड होता है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता लेकिन एनर्जी जरूर करती है तो आपका पीरियड तो रहेगा लेकिन जितने क्वेश्चन करते आ रहे न, अभी तक मेजरली ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं जिसमें आपको बहुत बड़ा सा कुछ इक्वेशन सॉल्व करनी है अब देखिए फिफ्टीन क्वेश्चन क्या है बैटरी ऑफ इम है फाइव वोल्ट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है. अब रेजिस्टेंस वोल्टामीटर कितना दिया फोर एम दिया तो बताओ आपको सिंपल जो करेंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच का जो फॉर्मूला है वो आप अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा अब क्वेश्चन क्या है अ ऑफ द मास जो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ऑफियस जहां पर आर क्या है रेडियस है अर्थ की जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्फेस तो अर्थ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द सैटेलाइट कितना होगा तो वो बस उसने पूछा है तो आपको निकालना है कितना आएगा ये आपका फोर बाय नाइन थम जी अब इसमें लिखा है अ बॉडी कवर डिस्टेंस ऑफ अ ट्वेल्व मीटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ एन फोर्स इफ द वर्क डन इज थर्ट जूल तो एंगल ऑफ अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो ये वैक्टर का फॉर्मूला है तो आप आसानी से कर पाएंगे सिक्सटी डिग्री आएगा ठीक है अब इसमें लिखा है पार्टिकल एक्सिक्यूट सिंपल लीनियर हार्मोनिक मोशन विद द एम्पलीट्यूड ऑफ अ फोर सेंटीमीटर वेन द पार्टिकल इज टू सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन अपनी मीन पोजिशन से कितना है दो सेंटीमीटर पे है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन तो वहां पे जो v है वो एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगी तो उसका टाइम कितना आएगा तो आपने सिंपल फॉर्मूला लगाना है थोड़ा सा इसमें थोड़ा टिपिकल है तो ये लेवल ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा टिपिकल है ठीक है अब इसमें लिखा 19 है नाइनटीन क्वेश्चन मैग्नेटिक नीडल जो रेस्ट करते स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी पे वो सिक्सटी डिग्री से रोटेट कर जाती है कब जब उसके ऊपर वर्क लगाया जाता है तो आपको टॉर्क लगाना है टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है तो टॉर्क का फॉर्मूला पता है तो आप कर देंगे तो आपका अंडर रूट लिखा है कि meter, कितना होगा माइनस टेन फेरहाइट तो आपको ये बस आपको कर, क, कराना है ठीक है अब ट्वेंटी वन का क्वेश्चन क्या बोलता है एयर बिटवीन द प्लेटिटी बायमेटिविटी के एंड द पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा क्या होगा भाई डिक्रीज कर जाएगा ठीक है के टाइम्स से अब बाईसवें नंबर का क्वेश्चन है देखो ये ऊपर वाला क्वेश्चन तो कैसे थ्योरी बेस्ड था यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से कर जाओगे तब भी अब बाईसवा क्वेश्चन है कि एक एस्ट्रोनॉमिल है एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है उसका ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ कितना वन फिफ्टी है आई आईपीस का फोकल लेंथ कितना है सिक्स सेंटीमीटर है अब फाइनल इमेज इंफिनेटी पे बन रही है तो मैग्नेटिक

लेकिन आपको बस गलती यहाँ पे बच्चे इसलिए करेंगे कि आपको ये ग्राम में लिखा है ना उसको आपको के में कन्वर्ट करना है हमेशा जो है हमेशा ऐसा यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है तो आपका आंसर गलत आएगा तो आपका आंसर कितना आएगा थर्टी न्यूटन ठीक है अब लिखा है अ ग्लास प्रिज्म ऑफ अ एंगल सिक्सटी डिग्री सेमज इन लिक्विड द एंगल ऑफ अ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ रे ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म इन दैट लिक्विड इज कितना है थर्टीन पॉइंट नाइन सिक्स तो भैया ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन ठीक ठाक है अब पच्चीस क्वेश्चन क्या है वॉट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड टू द पेरल टू द आर्म सीडी सीडी के पेरल सीडी दिख रहा है उसके पेरल में आपको क्या लगाओगे कि भैया आपका जो वीट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस कर दिया जाए तो 90 डिग्री का आपको लगाना है समझ रहे हो तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो इसमें देखो पच्चीस क्वेश्चन करे तो पच्चीस क्वेश्चन में से हमारे पांच क्वेश्चन है जो आप टिपिकल बोलोगे बाकी आपके पंद्रह क्वेश्चन तो ऐसे है जो आप सिर्फ से आपको फॉर्मूला आता है ना फॉर्मूला आता है और सिंपल फॉर्मूला आता है और थ्योरी आती है तो आप आसानी से कर ले जाओगे थ्योरी में बहुत बड़ी थ्योरी नहीं आखिरी में जो एनसीईआरटी के लिखे रहती है वो थ्योरी आपने करना है तो आप 20 मार्क्स तो आप आसानी से सिक्योर कर लोगे लेकिन जो पांच मार्क्स है ना उसके लिए थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करना पड़ेगा जैसे मैंने बताया था सिंपल ऊपर फॉर्मूला क्या था आपको ग्राम भी दिया था आपने उसको के में कन्वर्ट नहीं करे तब भी आपका गलत हो गया तो आप यदि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो कौन सा वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पच्चीस वाला तो आपको पता है भैया आपका तीस हो नहीं सकता एक हो नहीं सकता तो आपको कंफ्यूजन किसके बीच में नौ और नब्बे के बीच में तो आप दो में से आपके पास दो है तो आपके चांसेस कितने हो जाएंगे करेक्ट होने के फिफ्टी परसेंट चांसेस हो जाएंगे अब इसके अलावा देखो एक और क्वेश्चन बता रहा हूं जिसमें आप लगा सकते हो जैसे ये देखो जैसे ये ट्वेंटी वन है ट्वेंटी वन में आपको पता है ये जो पोटेंशियल है अंडर रूट में तो आएगा ही नहीं तो के टाइम्स में आएगा डायरेक्टली तो आप इसमें दो में से एक लगा सकते हो यदि आपको नहीं आता क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो तो है नहीं ना भाई तो आपको आसानी से करना है क्वेश्चन को और बहुत अच्छे नंबर लेके आना है तो ये फिजिक्स में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है थोड़ा सा स्मार्टली काम कर लिया तो 25 में से 20 नंबर तो ले आ जाओगे यदि बीस 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 सब में लेके आ तो कितने हो गए कट ऑफ के ऊपर आराम से एडमिशन मिल जाएगा वेटररी में तो अब अच्छे से चुपचाप क्या करना है फॉर्मूला करना है मैं फॉर्मूला का पीडीएफ भेज दूंगा आपको ठीक है और वीडियो के आखिरी में लिंक में भी डाल दूंगा ठीक है तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं करनी फिजिक्स के लिए और अब हम नेक्स्ट पेपर जो है वो केमिस्ट्री का सॉल्व करेंगे और आपको जो भी कंफ्यूजन है और नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे बनाना है वो आप बताओ अच्छे से बताओ और ये जो वीडियो है इसको शेयर करो सब्सक्राइब करो ठीक है